गुड मॉर्निंग। सजीवों के लक्षण की स्टडी हम लोगों ने कर ली थी, अब है जीवों का वर्गीकरण। सजीवों के लक्षण में जंतु के लक्षण और पादप के लक्षणों में थोड़ा डिफरेंस होता है कुछ चीजों का, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतुओं में नहीं होती है, पौधों में होती है। लोकोमोशन, गमन जो है यानी जो गति है वो जंतु स्थानांतरित गति करते हैं, पौधे स्थिर गति करते हैं। वो प्रकाशानुवर्ती होते हैं और गुरुत्वाकर्षणानुवर्ती होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ अंतर जंतु और पौधों के लक्षणों में होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते हैं। और दोनों जीवित चीज़ें हैं, जंतु भी जीवित हैं, पादप भी जीवित हैं। और आइए जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग। देखिए, जब वर्गीकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि जब संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो जीवों को याद रखने के लिए, उनकी अध्ययन की सुविधा के लिए हम उनका वर्गीकरण करते हैं। उनको उनके लक्षणों, करेक्टर्स और उनके आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले जो जगत बनाए गए, जगत दो बनाए गए, जंतु जगत और वनस्पति जगत। यानी कि जगत जो है, जगत को इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम। तो ये दो थे, कितने थे? दो, जंतु जगत एनिमल किंगडम और पादप जगत यानी प्लांटी। जंतु जगत में सारे जंतु रखे गए और पादप जगत में सारे पौधे। लेकिन इनमें थोड़ी डिफरेंसेस है बाद में, क्योंकि कई लक्षण ऐसे हैं जो, जैसे जंतु है, एक कोशिकी जंतु भी एक ही में रखे हुए हैं, बहुकोशिकी विशिष्ट प्राणी भी उसी में रखे हुए हैं, कई कमियां थी। और पादपों में भी यही चीज है, पादपों में भी स्वपोषी पादप भी उसी में हैं, परपोषी मृतोपजीवी कवक फंजाई वो भी सब उसी में रखे हुए हैं। तो इनको, इन समस्याएं कहते, इन करेक्टरों के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर बाद में आर एच वी टेकर, ये वैज्ञानिक हैं, RHV टेकर, इन्होंने पांच जगत वर्गीकरण को दिया, यानी कि पांच जगत वर्गीकरण बनाया। और उसमें इन्होंने, जैसे पांच जगत वर्गीकरण है, तो पहला जगत इन्होंने बनाया मोनेरा, दूसरा बनाया प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक या फंजाई, चौथा था जंतु जगत एनिमिलिया, और पांचवा था पादप जगत। जंतु जगत और पादप, ये पांच जगतों को इन्होंने बताया, पांच जगत वर्गीकरण दिया था RHV टेकर नामक वैज्ञानिक ने। अब इनमें देखिए, मोनेरा में सभी एक कोशिकी प्राणी हैं, लेकिन कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। तो इसमें सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाली जंतु, इसमें सभी यूकैरियोटिक, कोशिका वाली जंतु,
मुनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सभी जंतु यानी जीवाणु बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में एक कोशिकी यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकी जीव, कवक या फंजाई में आपका कवक और फंगी रखे हुए हैं, शैवाल कवक इनको रखा हुआ है, और पादप जगत में सभी विकसित जंतु रखे हुए हैं। बहुकोशिकी भी है, विशिष्ट प्राणी भी हैं, और पादप जगत में सभी हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स जो स्वपोषी होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने पांच जगत वर्गीकरण दिया।